आप सभी को नमस्कार और सभी देशवासियों को नमस्कार। शांत हो जाओ भाई, इसमें भाई मैं क्या करूं? अगर इससे बोल लेंगे तो ठीक है, चलो लेकिन बोलिए कभी कर लेंगे भाई। चुप हो जाओ प्लीज। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सभी का धन्यवाद हमारे से दोबारा से जुड़ने के लिए। और जो चीजें अभी चल रही हैं आप लोगों को सभी को पता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि कल बोल रहे थे कि भाई ये तो 3% बैठे हैं, 97% तो हमारे साथ हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास आप देख सकते हैं सारे हिंदुस्तान का जो आज जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आगे। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो एक दो लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। विद प्रूफ तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको बताया कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है, आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास एक दो लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज और आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो हुआ है, हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम। हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम एक्स वाई जेड किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। सर आपके सवालों का भी मैं जवाब देती हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपके बैठक का भी बताएंगे, आपको कमरे का भी बताएंगे। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा, जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है सिर्फ, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है, हम पूजा करते हैं, उसी वंशज का हम एक हिस्सा है जो हम आप सब के बीच में बैठी हैं। आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो, इतनी दूर से आप लोग आए हो, कुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे, बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। इस्तीफा में लेना अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए, इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारों पे काम करते हैं। तो हम चाहते हैं, हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, हम हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। रही दूसरी बात, हम लीगल तरीके से भी हम जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें एक विश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमें उस लाइन में नहीं लेके देना चाहेंगे, हम उनके सामने जाके वो प्रूफ विद लड़कियां हम लेके जाते और कोई लड़की भी सामने नहीं आती, किसी की लाइफ को भी डेंजर नहीं होता, किसी की फैमिली को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कल को हानि नहीं होती, हम ये खतरनाक कदम उठाना नहीं चाहते थे।
लेकिन अगर सोल्यूशन जल्दी नहीं निकला आज, वैसे हम बता रहे हैं कि आज की हम वेट करें हैं, रात होने तक वेट करते हैं कि कोई संतुष्टपूर्ण जवाब आए। इतना अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है, तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो दो मिनट मेरे सामने बैठ जाएं, तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने दो मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही इसी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली, ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के, आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है, वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं, इसी हौसले के साथ अब लगे रहना। आप सोचिए कि जहाँ केरला में कुश्ती का कोई नाम और निशान भी अगर आप देखोगे कि नेशनल में पार्टिसिपेशन होता है, किसी लड़की का, किसी लड़के का मेडल आता है, तो उनके लिए एक ओलंपिक मेडल के सम्मान एक जीत होती है। अगर वो लड़कियां भी अगर शोषण का शिकार हुई, तो आप देख लीजिए कि ये लोग कहां तक फैले हुए हैं। कल को अगर कुछ भी, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास, मैं बता रही हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए एक दिन लाख दिन के बराबर होता है। हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं, हम सब यहाँ पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, हमने कोई यहाँ गेम छोड़ के आए नहीं हैं, हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियाँ जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा, तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मीटिंग में आश्वासन ही दिया गया है बस, कोई ऐसा मतलब ठोस हमें नहीं बताया गया कि क्या फैसला। मीटिंग अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है। लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन का को भंग करवाना चाहते हैं, और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए, एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं, केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ खुद वो खुद शोषण का शिकार रही हैं, तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो, और एक बार फिर से मैं अपने PM सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज सब लोग यहाँ जो एक एक मेडलिस्ट बैठे हैं, पूरी रेसलिंग की क्रीम यहाँ बैठी है, अपनी ट्रेनिंग छोड़ के बैठी है, अपने घर परिवार को छोड़ के बैठी है, तो बस इसी उम्मीद में बैठी है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे, आप हमारे साथ जस्टिस करेंगे। हम इसी बस आश्वासन यही है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई नहीं है सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं है उनकी तरफ से। किसने आश्वासन दिया, किससे बातचीत हुई, और उन्होंने कितनी देर तक आपसे बातचीत की, क्या पॉइंट्स आपने रखे उनके सामने? एक मिनट हो गया, आप सबके सामने ही हम गए थे बात करने के लिए। हम सरकार के नुमाइंदों का नाम नहीं लेना चाहते, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि हमारी लड़ाई एक बंदे से है, ना सरकार से है, ना सरकार के अधिकारियों से है। मुलाकात सरकार के लोग थे, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ लोग थे जिनसे हमारी बात हुई है। हमें बोला गया था कि आप आइए हमारे सामने बात रखिए और हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका समाधान निकालेंगे, लेकिन समाधान एक साल चलेगा, दो साल चलेगा, चार साल चलेगा, हमारी जिंदगी खत्म होने के बाद तक चलेगा, हमें ये नहीं पता है। हमें आश्वासन इतना दीजिए कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा, हम डटे रहेंगे, हम मेहनत छोड़ देंगे,
लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को और उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, हर स्टेट में उनके लोग बैठे हैं, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं, हमारी जान को भी खतरा है। हम रात को, कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है, आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्म सम्मान के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। आज अध्यक्ष जी के घर पे ताला लग गया है, इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। उसके बाद भी अगर हम महिलाओं से, एक सेकंड अफसर प्लीज मेरा सुन लीजिए, जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती है, और बाकी लोग थे जो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है, तो वो लड़कियां सबूत हैं, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज, इनमें से ही वो लड़कियां हैं। मैं नहीं चाहती कि हम उनका खुलासा करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन होगा। सर हमारी टाइमलाइन तो एक एक घंटे की है, हम एक एक घंटे का हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हम रेसलर हैं, सब हम एक्टिव रेसलर हैं, कोई हम रेसलिंग छोड़ के इधर नहीं आए हैं कि हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ भी, हम नौजवान बैठे हैं सब, हमारा सब कुछ दाव पे लग गया है यहाँ पे, हमारा फैमिली, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा सब हमको पलकों पे बिठा रहा है, आत्म सम्मान के साथ देख रहा है। हम नहीं चाहते कि उनकी नजरें झुके, उनको पता चले कि उनकी बहनों के साथ में ये हुआ है, किस बहन के साथ में ये हुआ है। खेल मंत्री से बातचीत हुई क्या? हम वेट कर रहे हैं कब बातचीत होगी, अगर उनसे भी बातचीत होती है तो हम आप सबको बताएंगे क्या बातचीत हुई है, क्या उनका निष्कर्ष रहा है, उनके जवाब से हम संतुष्ट रहे नहीं रहे हैं। अगर कोई संतोषजनक जवाब रहा या उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हुई तो हम जरूर आप सबके साथ साझा करेंगे। सर जैसे हम बता रहे हैं कि उनके लोग हर जगह बैठे हैं, हमें किसी पे भी विश्वास नहीं है, किसको हम बताएंगे, कौन हमारी बात को लीक करेगा, क्योंकि जब हम नॉर्मल अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, हमें कोच चाहिए, फिजियो चाहिए, एक्स वाई जेड किसी के साथ में भी, वो बातें भी फेडरेशन तक पहुंच ही जाती है किसी ना किसी वे में। अगर उस टाइम पे भी हमें धमकी मिलती है, अच्छा तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया बोलने का, अभी देखते हैं तुमको हम क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली का, फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे, वो लड़की क्या बोलेगी और क्या उनको कहेगी। विनेश काफी गंभीर एलिगेशंस हैं, काफी गंभीर एलिगेशंस हैं इस मामले पर। कितनी लड़कियां हैं आपके साथ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, नाम नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन कितनी लड़कियां हैं, किस किस स्टेट की लड़कियां हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी दें। जितना ये डिले होगा अध्यक्ष जी के लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। मैम कल हम बता रहे थे कि एक या दो लड़कियां हैं, आज हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ खड़ी हैं। कल को क्या पता 10 लड़कियां आएंगी, कल को 20 आएंगी। जांच की मांग अध्यक्ष जी सीबीआई की मांग कर रहे हैं, होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपना पद तो छोड़ो। मैम रेसलिंग फेडरेशन कम से कम पद तो छोड़ के आओ अपना, हम निहत्थे बैठे, हम रेसलर अपना जो कुश्ती छोड़ के बैठे हैं, क्या वो अपना पद नहीं छोड़ सकते? कौन रेसलिंग फेडरेशन? हम पूरा रेसलिंग फेडरेशन आपके सामने बैठा है जी, यही रेसलिंग फेडरेशन है हिंदुस्तान का, यही रेसलिंग फेडरेशन है जो आपके सामने बैठा है। वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, वो कब रिजाइन करेंगे? हमारे साथ गलत हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, वो डिसाइड करेंगे क्या कब क्या होगा? हम डिसाइड करेंगे कब वो रिजाइन देंगे, और आज अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कल हम और भी ठोस कार्रवाई की। ठोस कार्रवाई मतलब आज रिजाइन चाहते हैं आप? आज रिजाइन चाहते हैं? रिजाइन नहीं, भंग चाहते हैं। आज क्या, अभी दे दो, हम तो वेट कर रहे हैं कब आएंगे। और वो तो फेडरेशन तो 2 कदम दूर थी जब वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो सामने आके बोलते कि भाई क्या बात हो गई, जब वो इतने प्राउडली उस बंद कमरे में आंखें दिखा के बात करते थे, वो आज वो आंखें क्या फूट गई, क्या जल गई, क्या किसने फोड़ दी उनकी आंखें, वो आंखें कहां गई आज?
जो आंखें डराती थी हमें। आपका ये कहना था कि वो तो रेसलिंग के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानते, उनको उनको अध्यक्ष बना दिया गया, तो आप लोगों की क्या मांग है, किस किसको होना चाहिए रेसलिंग का अध्यक्ष, कौन होना चाहिए? जो खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक लेवल पे खेले हैं, जो वर्ल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जो एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं, उनको बनाया जाए, उनको पता है रेसलिंग का। अगर वो अगर हमें मना करेंगे तो भी हमें ये रहेगा कि हमसे सीनियर हैं, इनको पता है रेसलिंग का ज्यादा। योगेश्वर दत्त का नाम सामने आ रहा है, आप रखेंगे योगेश्वर के नाम की? योगेश्वर दत्त जी तो खुद रेसलिंग फेडरेशन के गोद में जा बैठे हैं जी, आप देख लीजिए जितने भी खिलाड़ी हैं, कई खिलाड़ी सपोर्ट कर रहे हैं उनको। आप सुनो, कौन खिलाड़ी सपोर्ट कर रहे हैं? आप देखो ओलंपिक में 2 मेडल आए थे टोक्यो में, कहाँ बैठे हैं जी वो आज? रियो में आए थे, कहाँ बैठे हैं वो आज? एक सिर्फ योगेश्वर दत्त जी हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी तो उनके जो खुद के कुछ उन्होंने गुर्गे पाल रखे थे वो तो आएंगे ना सामने। हाँ तो वो गुर्गे पाल रखे, मैं बोल रही हूँ ना, और उनका जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने पहले तो वो जो डाल रखा था वो डिलीट कर दिया है, नहीं है तो उनके खिलाफ भी हमारे पास प्रूफ है। काकरान जी ने खुद बोल रखा है नेताजी के खिलाफ, हमारे पास प्रूफ है कोचिज के खिलाफ, हम सामने लाएंगे टाइम आने पे, नेशनल कैंप के कोचिज के खिलाफ में, फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ में, सब सबूत है हमारे पास, बाय रिकॉर्ड है। हम ऐसे बेतुकीरने बातें हवा में बातें नहीं करें, हम सब चीज लेके चल रहे हैं। किसने बोला जी? हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, हमारे पास कोई। हाँ देखिए, गवर्नमेंट ने हमेशा सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, गवर्नमेंट ने हमेशा खिलाड़ियों, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई है नहीं। हम तो उनसे बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे जो अंडर 15 अंडर 17 में कुश्ती लड़ रहे हैं, तो उनके करियर के सवाल है, वो यहाँ मेहनत छोड़ के यहाँ बैठे आप लोगों के बीच में, उनका आप मेहनत का टाइम था, वो यहाँ पे आपके साथ धरना प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये हमारी कुश्ती के लिए दुर्भाग्य है। हमारी लड़ाई फेडरेशन के साथ है, ना कि गवर्नमेंट के साथ। पीएम मोदी से अपील करेंगे कुछ आप? हम कल से अपील ही कर रहे हैं सर, पीएम मोदी से अपील करेंगे, पीएम मोदी से ही अपील कर रहे हैं, हम देश के गृह मंत्री जी से अपील कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो, दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो, लेकिन उनको पहले इस्तीफा तो दिलवाया जाए, रेसलिंग फेडरेशन को भंग किया जाए, गवर्नमेंट के अंडर में दिया जाए रेसलिंग फेडरेशन। हम नहीं चाहते कि कोई भी अध्यक्ष बने, अभी मत बनाओ आप किसी को भी, लेकिन सरकार अपने अंडर में ले, हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम एक दिन भी कुश्ती नहीं लड़ेंगे रेसलिंग प्रेसिडेंट के अंडर में या उनके ग्रुपों के अंडर में। थैंक यू, स्ट्रॉन्ग डिसीजन होने तक घटना कंटिन्यू रहेगा जी? बिल्कुल रहेगा जी, जब तक जान है तब तक जहान है। मीडिया कर्मी करो आवाजी करी, कल भी करो आवाजी करी है। देखिए आप लोगों को पता है, पुलिस के लिए हम अगर जरूरत पड़ी तो कल ही करेंगे, और कल मीडिया के आपके लोग थे मीडिया के जिनके साथ बदतमीजी करी गई है, उनको थप्पड़ मारा है, कमरे से भगाया उनको, तो आप देख लीजिए वो कितना डरे हुए हैं, क्योंकि वो सच्चाई से भाग रहे हैं, बच्चों से जबरदस्ती वीडियो बनवा रहे हैं कि वीडियो बनाओ, और फिर वो बच्चे डिलीट कर रहे हैं, जब उन बच्चों को पता लग रहा है कि वो गलत है, बच्चों को पता है गलत है पर वो जबरदस्ती बनवा रहे हैं, उसके बाद वो देख रहे हैं बच्चे कि भाई कमजोर पड़ता जा रहा है ये पक्ष, तो इसलिए वो डिलीट कर रहे हैं उनको, तो वो जबरदस्ती सब कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो झूठ बोल के भाग रहे हैं बस। जो वीडियो बना रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं वो रैंकिंग कंपटीशन के लिए जो बच्चे गए हुए ना, जो उनके गढ़ में गए हुए हैं, वो उनसे कुछ भी बनवा सकते हैं, वो उनका गढ़ है, वो उनका आतंक का अड्डा है जहाँ पे वो वीडियो बनवा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो इस जंतर मंतर पे आके वीडियो बनाइए जैसे हम बनवा रहे हैं, तब उनकी ताकत को पहचानेंगे, तब उनको मानेंगे कि हाँ इस बंदे में दम है, इसने कुछ गलत नहीं किया। खिलाड़ी आपके साथ यहाँ पे आके जुट रहे हैं, क्या ऐसी कुछ और कंप्लेंट्स भी आपके पास आई हैं कि उनके साथ भी कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं अलग अलग प्रदेशों से? मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना, आज कल हमारे पास अगर 1 से 2 लड़कियाँ थी, आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियाँ आई हैं। जितना समय बढ़ता जाएगा खतरा के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा, और वो बोल रहे थे ना फांसी का फंदा उनको खाना पड़ जाएगा, बोल दिया गलती से, उनके मुंह से निकल गया जुबान की फिसल, और जुबान फिसल गई। हम पहलवान बड़े जिद्दी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जिद्दी, जिद पे आ रहे हैं, अगर वो नहीं भी लेंगे ना उनको अपने मुंह से बोल देंगे हमने गलत किया है। ठीक है, थैंक यू।